गल अल्लाह बनांदा एक बारी हाथ चुके कहना है बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह है माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह है माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह है। आज का दिन हम सबके लिए और खासकर मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि जो प्रॉमिसेस और जो वादे हमने आपसे किए थे प्रोजेक्ट में जो चीजें लाने के लिए फैसिलिटीज लाने के लिए और डिलीवरी प्रोग्राम में हमने दिया था उसके बारे में उनकी तकमील के आखिरी मराहल के बारे में हमने आपको आज बताना है। आखिरी मराहल ये बहुत अहम है हमारे सब के लिए और आज का दिन उनकी तकमील की तरफ जो मनाजर हमने आपको दिखाई थी और जो ख्वाब हमने आपको दिखाए थे उनकी तबीर के मुतालिक हम आपको जो सरप्राइजेस देंगे इंशाल्लाह आप उससे बहुत महजूज होंगे और मुझे शक है कि कुछ लोग शौक भी चले जाएंगे। आई डोंट नीड इंट्रोडक्शन बिकॉज़ आवर फ्रेंड्स मेक अ ग्रेट ब्रीफ ऑफ माय इन्वॉल्वमेंट इन द ग्रुप एंड आल्सो we are very well known, we are friends because for the last 5 years we have been cooperating together and seeing the capital smart city grow from scratch from to the right achievement today that we are going to announce the master plan for 100,000 canal set. Ye smart city jo hai ye inclusive hai, it's not a रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है रोड से, ये कोई हाउसिंग स्कीम नहीं है, ये एक कम्प्लीट नया शहर है और जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं कम्प्लीट नए शहर बन रहे हैं और हर शहर का एक अपना कल्चर होता है। लाहौर का एक अपना कल्चर है, फैसलाबाद का अपना कल्चर है, हैदराबाद का एक अपना कल्चर है, पिशावर का एक अपना कल्चर है। तो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए इस एरियाज के अंदर क्योंकि एक आइसोलेटेड एरिया था यहाँ इस वक्त यहाँ से आपको 25 किलोमीटर अवे जो है दमयाल रोड के ऊपर हमें वहाँ फाइबर का एक्सेस जो है अवेलेबल तो उस इसलिए यहाँ जब तक कोई रेवेन्यू ना हो तो किसी भी सोसाइटी में ऑपरेटर्स आने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें मैनेजमेंट की तरफ से मलिक साहब की तरफ से ये अथोराइज किया गया या अप्रूव किया गया कि हम अपने एक्सपेंस के ऊपर अलहर सिटी से फाइबर को कैपिटल स्मार्ट सिटी का विच अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अचीव्ड लास्ट ईयर। एक विजन को समझने के लिए किसी भी बात को समझने के लिए उसकी पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स। हमारी मीडिया टीम ने एक बहुत अच्छा पैकेज बनाया है जिसके अंदर हम आपसे वो तमाम एस्पेक्ट्स जो हम कैपिटल स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रेजेंट करेंगे। इस प्रोजेक्ट में अभी तक एक भी रेजिडेंट ने आके अभी रहना शुरू नहीं किया और हम दो हाई राइज बड़ी बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग खड़े करने के करीब हो गए हैं। ऑलरेडी वो स्टार्ट हो गई हुई है, ज़मीन से बाहर आ गई हुई है। सबसे पहले तो स्मार्ट सिटी और स्मार्ट टीम का बड़ा शुक्रिया कि मुझे दावत दी और मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पर बात करने का। मैं समझता हूँ कि एफटीएच जो है या हबीबफीक जो है इसकी जो सक्सेस है इसके पीछे तीन रीजंस हैं। इसमें सबसे बड़ी कमिटमेंट, डेवलपमेंट और इनोवेशन। हमने यहाँ पे आज की तकरीरों में देखा होगा कि यहाँ पे बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो बात हुई, सबसे ज़्यादा बात एजुकेशन के बारे में हुई। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी फ्यूचर है हमारा वो एजुकेशन बेस्ड है। एजुकेशन के बाद हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा बात हुई, नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों के बारे में। स्मार्ट टेक्नोलॉजी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं बट एजुकेशन जो है और इनोवेशन जो है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात हुई। उसके बाद एक और ज़बरदस्त बात यह है, जैसे मेरे दोस्त ने बात की उमर ने, कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ना सिर्फ डेवलपमेंट में कमाल कर रहा है बल्कि इन्होंने जो हमारी यूथ को एक इकोनॉमिक सर्कल में डाल दिया हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ में और सोशल ग्रोथ में डाल दिया हुआ है। मेरे ख्याल से इस टाइम सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी यूथ की जो टीम है, ना सिर्फ ये रियलिटीज नहीं है, ये मार्केटिंग कंपनीज हैं। ये मार्केटिंग कंपनीज इस कैपिटल स्मार्ट सिटी में इमर्ज की हैं और ना सिर्फ मार्केटिंग कंपनीज इमर्ज की हैं
बल्कि टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप इन्होंने स्टार्ट किए। हर मार्केटिंग कंपनी किसी न किसी हवाले से टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है, और ये जो डिजिटल एरा की मार्केटिंग कंपनीज हैं, इसका सेहरा और इस यूथ को किसी अच्छे बिजनेस में और उसमें लगाने का बहुत शुक्रिया। मैं मलिक साहब को, मुजीब साहब को, सारी टीम को, जायद साहब का, इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें डेवलपमेंट के बारे में तो दूसरी राय नहीं है कि ये लोग डेवलप करेंगे, और हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से ये रिमार्केबली डिलीवर कर रहे हैं। एंड थैंक यू मच, थैंक यू फ्रॉम आरबीएस।